एक कल्याणकारी मार्ग जो संसार से आपको ऊपर ले जा करके आपका कल्याण कर देगा, आपको परम गति प्रदान कर देगा, और एक संसार का मार्ग जो संसार के अंदर विषय वासना के अंदर डाल करके आपको संसार के अंदर भौतिक अति भौतिक बना देगा और आप संकीर्ण हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु महाराज ज्ञान देकर के लोगों को डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं। जैसे आपने देखा, आप बैठे हैं, सब लोगों की नजर हमारी तरफ लगी है, एक सिस्टम से बैठे हुए हैं, और जब ये फोटो टेलीविजन के ऊपर लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे साहब बड़ी भीड़ थी, बड़े लोग सुन रहे थे, बड़े एकाग्रचित से सुन रहे थे, क्योंकि हमारे सत्संगों के अंदर आता है कि साहब बच्चा भी नहीं रोता है, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक अगर आप रेलवे स्टेशन का चित्र देखें तो कोई कहीं जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, भाग रहे हैं लोग, यहां सब व्यवस्थित हैं। ये दो फर्क हैं, और इसी फर्क को मैं समझाने के लिए आपको उदाहरण देता हूं। एक लोहे का टुकड़ा है, आप उसको रस्सी सुतली पे बांध दें, धागे पे बांध दें, यू टेक वन स्मॉल आयरन रॉड एंड टाइट ऑन ए स्ट्रिंग एंड हैंग इट, वो कहीं भी मुड़ जाएगा, कहीं भी घूम जाएगा, पृथ्वी का प्रभाव भी उस पर पड़ेगा, वो कहीं भी घूम जाएगा। दूसरा, आप लोहे का जो उसे टुकड़ा है जो चुंबक बना हुआ है, और एक चुंबक को आप लेकर के धागा बांध दें, तो क्या होगा कि चुंबक घूमेगा, और घूमने के बाद उसका जो पॉइंट होगा वो नॉर्थ और साउथ पॉइंट करेगा, वो एट रैंडम कहीं नहीं, घूमने के बाद पेंडुलम के ऑसिलेट करने के बाद दाईं तरफ बाईं तरफ जाने के बाद और धीरे धीरे वो आपके नॉर्थ और साउथ पॉइंट करेगा। अब उससे क्या होता है, जब वो नॉर्थ और साउथ पॉइंट करता है तो हमें दिशा मिलती है। पुराने जमाने में लोग इसी प्रकार के चुंबक को लेकर के देखा करते थे, पानी के जो जहाज चलते थे उसमें चुंबक को तैराते थे पानी में, और तब देखते थे ये कहां पॉइंट कर रहा है, कहां दिशा की तरफ है, और उससे दिशा लेकर के समुद्र में यात्रा करते थे, समुद्र में ज्यादा देख नहीं पाते थे। तो जब आदमी भटक जाता है, आपने देखा होगा हवाई जहाज में, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं और उसमें बना हुआ है कंपास, एंड द फंक्शन ऑफ द कंपास इज टू पॉइंट द डायरेक्शन। उसके अंदर वही लोड स्टोन जो है, वही मैग्नेटिक जो पत्थर है, वो मैग्नेट जो है, चुंबक जो है, वो पॉइंट करता है नॉर्थ और साउथ, और उसे पायलट्स जहाज की दिशा ले जा करके और सही स्थान पर उतारते हैं। नहीं तो आसमान में तो धरती में तो चलो आपको माइलस्टोन भी मिल गए, मील का पत्थर भी खड़ा हुआ है। वो एक आदमी मील के पत्थर को देख के कहने लगा जी यही भगवान है। उसने कहा भाई कैसे, बोला देखो इस पे लिखा है दिल्ली 50 किलोमीटर दूर, इसको पता है वे 50 किलोमीटर दूर दिल्ली है, ये तो जानता है। तो धरती पे तो आपको मील के पत्थर भी मिल जाएंगे, आसमान में तो कोई मील का पत्थर नहीं है, कोई साइन पोस्ट नहीं है, इधर दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, वहां पर जो सहारा है वो केवल कंपास का सहारा होता है, केवल चुंबक का सहारा होता है जो एक दिशा में पॉइंट आउट करता है। तो वैज्ञानिकों ने उसका विश्लेषण किया कि भाई लोहे में और चुंबक में क्या फर्क है, तो देखा कि लोहे में जो कण है वो एट रैंडम है, जैसे आपका रेलवे स्टेशन में कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई आसाम जा रहा है, ऐसे एट रैंडम है। और चुंबक के अंदर जैसे यहां पर बैठे हुए एक दिशा में लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से उसके कण एक दिशा में होते हैं। तो जीवन में जिसका ध्यान, जिसके सारे कण कण जिसके एक डायरेक्शन के अंदर, ध्यान के अंदर बंध जाते हैं,
वो चुंबक बन जाता है, वो दिशा देने वाला बन जाता है, वो अंधकार से निकल करके और प्रकाश के मार्ग पर चलने वाला बन जाता है। तो ये विशेषता चुंबक की है, और इसका जितना हम अध्ययन करेंगे, इसकी सूक्ष्मता का जितना हम अध्ययन करेंगे, उतना हम इसकी विलक्षणता को समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों ने इसी को समझ करके और इसी को डेवलप किया। आपका जीपीएस जो है, आपका जो मोबाइल फोन है, उसके अंदर भी डायरेक्शन देने के लिए उसके अंदर भी वही इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त होता है और आपको पता चल जाता है आप कहां पर जा रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसा होने लगा कि आपकी गाड़ी के अंदर बिल्ट इन जीपीएस होगा, आपको पता होगा आपकी गाड़ी कहां जा रही, सैटेलाइट कंट्रोल्ड। यह इसी फिनोमेना के ऊपर डेवलप है जिसको हम चुंबक कहेंगे। तो जीवन के अंदर चुंबक की एक डायरेक्शन होती है। जो ज्ञानी होता है उसका मन एक डायरेक्शन में होता है। शब्द बिना सुरति आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द के बिना, बिना नाम के सुरति अंधी है, उसे डायरेक्शन चाहिए। तो सज्जनों, जब डायरेक्शन हमें मिलेगी, सद्गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त होगा, डायरेक्शन हमें मिलेगी, तब हम उस रास्ते पर चलेंगे। और कितने भी अंधकार में हम चले जाएं, हवाई जहाज कितने भी अंधकार में, बिजली आ जाए, अंधकार आ जाए, बादल आ जाए, वो उसके अंदर से भी निकल जाता है, क्योंकि उसके पास कंपस है, रास्ता दिखाने वाली चीज है। ऐसे ही माया का कितना भी प्रभाव हो, अगर हमारे पास प्रभु का नाम है तो हम माया के प्रभाव से, माया के अंधकार से भी निकल जाएंगे। इसीलिए कहा, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरी, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, और रवि की करनी क्या होती है, एक रवि का फंक्शन होता है, सूर्य का फंक्शन होता है, प्रकाश करना, टू रिमूव द डार्कनेस एंड टू ब्रिंग लाइट। और दूसरा फंक्शन उसका क्या है कि जब रोशनी होती है तो रोशनी से फोटोसिंथेसिस होता है, और जो ग्रीन सब्सटेंस आपका प्लांट लाइफ के अंदर है, पत्तों के अंदर जो हरा पदार्थ है, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है। वो ऑक्सीजन आपको ताकत देती है। आपने देखा होगा गुजरात के नजदीक, अहमदाबाद के नजदीक एक फॉसिल पार्क है, बहुत बड़ा फॉसिल पार्क है, और दुनिया में ऐसा फॉसिल पार्क है जिसमें आप डायनासोर के अंडों को छू भी सकते हैं। मैं समझता हूं वर्ल्ड का बहुत बड़ा फॉसिल पार्क वहां पर है, सारे किस्म के डायनासोर वहां पर अंडा दे करके, और वहां पर एक बहुत बड़ा जगह है, वहां लोग जाते हैं देखते हैं। तो क्या हो गया, इतने बड़े बड़े जानवर, विशालकाय जानवर थे, जिनके पंजे, जिनकी हड्डियां, टनों की हड्डियां हैं, इतने विशाल जानवर कहां चले गए। आज उनके फॉसिलाइज्ड हम एग्स देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई जब ये जी रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन वो ऑक्सीजन गायब हो गई। कैसे, क्योंकि कोई पुच्छल तारा मीटरॉइड टकराया, और टकराने से बड़ा भीषण कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, आग लगने लगी, और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई कि वो सारे जानवर मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली उनको। तो प्रकृति ने उस बैलेंस को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के जरिए, सूरज की धूप पत्तों पर पड़ेगी और पत्ते जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणित करेंगे। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, प्रदूषण को हटाओ, ये प्रदूषण जो आज मारता जा रहा है इसे खत्म करो। तो प्रेमी सज्जनों, ये गुरु पूजा का पर्व इस बात को समझने का पर्व है कि हमारे जीवन को एक दिशा चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए। और जितने भी धार्मिक बड़े बड़े धर्म हुए, इनका जो आधारभूत जो था, फाउंडेशन थी, वो एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस था।
मोसेस को एक्सपीरियंस हुआ और वो यहोवा के पास जाके कहता है कि मैं तेरा दीदार चाहता हूं। और जब उसने बार बार प्रार्थना की तो वो परमपिता परमात्मा एक झाड़ी के पीछे प्रकाश के रूप में प्रकट होकर के मोसेस को दर्शन देता है बर्निंग बुश के रूप में। दैट वाज अ फाउंडेशन ऑफ द ज्यूइश रिलीजन, वो उसका आध्यात्मिक अनुभव था। तो कहने का मतलब वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन को दिशा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितने भी अंधकार में फंस जाएं, अगर हमारे पास डायरेक्शन देने वाली चीज है, हमारा मन एक डायरेक्शन में है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में है, नाम में जुड़ा हुआ है, तो हम अंधकार से निकल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्युर्मा अमृतगमय, हमें मृत्यु से अमृत की ओर हमें ले जाओ।